गुड इवनिंग एवरी वन वेलकम टू दी क्लास ट्वेंटी फोर स्वागत है आप सभी का इस बेहतरीन चैनल के ऊपर जहाँ पे आज का ये सेशन फिर से एक बार शुरू करता है और इस पूरे हफ्ते के लिए आपके जीके के कुछ स्पेशल क्वेश्चन को कवर करेंगे जैसे कि मैंने पहले बताया था आज का ये जो जीके और साइंस का स्पेशल सेशन है ये आपके फिफ्टी क्वेश्चन का होने वाला है दूसरी बात ये कि हम इसके थर्टी जो सेशन है उनको पहले कंप्लीट करेंगे यानी कि तीस सेशन आप पहले कंप्लीट कर लो तीस टेस्ट आप पहले कंप्लीट कर लो आज लोस ट्वेंटी आप 20 सेश सेशन सेशन आज, आज आप कवर कर रहे हो तो यानी कि हर क्लास में 50 सेशन 50 क्वेश्चन करने के बाद बीस सेशन में लगभग आपके हजार क्वेश्चन तो ऑलरेडी डन है इनको एक बार आप रिवाइज कर लेना आज के बाद एक हजार क्वेश्चन का सेट आपके पास अवेलेबल होगा ऑनवर्ड से लेके तक भी हम इसी तरीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से कवर करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं लिख रही हूं आपकी कि हर एक एग्जाम के लिए हेल्प करने वाला है तो यस आपके आज के क्वेश्चन जो है वो एक पर्टिकुलर अभी हुए एक एग्जाम से उठाए हैं और अभी हुए एग्जाम से इसलिए उठाया है ताकि रिसेंटली जो भी क्वेश्चंस पेपर्स आपसे पूछे जा रहे हैं जो एग्जाम आपसे कंडक्ट करवाया जा रहा है जो हाल ही फिलहाल में पीछे जो पेपर्स हुए हैं उनमें किस तरीके के क्वेश्चन कवर हो रहे हैं वो चीज थोड़ी सी आपको हेल्प भी करेगी यूपी का जो पेपर है आगे आपके जो स्टेट सर्विसेज हैं उनमें हेल्प करेगा एस एस सी के जो एग्जाम्स है उनमें हेल्प करेगा रेलवे के लिए हेल्प करने वाला है तो ये पूरा पार्ट ट्रेन दूसरा चीज यहाँ पे अच्छा सैड इवनिंग करना है आज तो इट इज वेरी सैड पर ठीक है खेला हा, हालांकि लास्ट मैच में ऐसा लगा नहीं इंडिया एफर्ट्स डाल रही है ज्यादा पिछले दस मैच ऐसे जीते हैं कि सामने वाली टीम सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आप करें तो करें क्या है ना लेकिन लास्ट मैच इंडिया ने ऐसा खेला है कि जैसे कि पता नहीं मतलब क्या ही कर रहे थे ना विकेट ले पा रहे हैं ना फिर रन बना पा रहे हैं बट डिस्पाइट ऑफ दैट हार जीत लगी रहती है स्पोर्ट्स में तो हार जीत लगी ही रहती है स्पोर्ट्स अनसर्टेनिटी का गेम है यू नेवर नो कौन जीतेगा कौन हारेगा यू नेवर नो बट डिस्पाइट ऑफ दैट वर्ल्ड कप में आपको आखिरी मैच तक भारत ने बनाए रखा है ना कहीं अगर पहले ही आउट हो जाता सेमीफाइनल से पहले या सेमीफाइनल में आउट हो जाती तो शायद कल का दिन आपका निकल भी नहीं रहा होता ना मैच देखते हुए है ना तो यू आर विटनेस ऑफ समथिंग ग्रेट लाइक जीता नहीं वो अलग बात है बट एज अ टीम तो खेली है ना इंडिया तो जस्ट वी वी आर हैप्पी ने जो दस मैच जिताए उसके लिए वी आर वेरी हैप्पी कि भाई अगलों ने दस के दस मैच जीते हैं लास्ट वाला हो गया तो क्या करे uh, लास्ट में आके ओनली प्रॉब्लम आई पेड ना बैटिंग चली ना बॉलिंग चली ना फील्डिंग चली भाई कुछ तो है हार जाते है, कोई बात नहीं जो तो हारना जीतना तो गेम की लास्ट मोमेंट तक डिसाइड होता ही रहता है बट द पॉइंट इज़ आपने कुछ तो अच्छा किया होता है ना इतने रॉन्ग डिसीजंस पर फिर वही वाली एक लाइन है कि हर कोई धोनी नहीं हो सकता है ना बट डिस्पाइट ऑफ वाज अ ग्रेट एफर्ट लेकिन कोई बात नहीं ठीक है चलिए जो यहाँ पे किया उसे क्या ही कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया डिजर्व करती थी ऑस्ट्रेलिया ले गई कोई दिक्कत नहीं है चलिए सबके साथ वो लोग भी तो काफी ज्यादा मेहनत किए ही है ना नेक्स्ट टाइम बेटर लक नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम टाइम वाला सिचुएशन है वेट करता है वापस से बस दुख इस बात का होगा कि रोहित शर्मा और शायद विराट कोहली नेक्स्ट वर्ल्ड कप में यहाँ पे नहीं होंगे तो एफर्ट्स नहीं दिखे बस ये था एफर्ट्स नहीं दिखे टीम का एफर्ट नहीं दिखा कहीं से भी ये नहीं लगा कि ये लोग फाइनल्स खेल रहे हैं ना बैटिंग के समय ना बॉलिंग के समय और ना फील्डिंग के समय दैट वाज वर्स्ट और एक सिचुएशन और भी खराब थी कि शामी को इन्होंने शुरू मतलब वो सब आप विश्लेषण देख ही चुके कि पहली सिराज को जो है वो नई बॉल देनी थी शामी को पुरानी बॉल देनी थी ये सब चीजें जो है वो मिसमैनेज हो गई सूर्य कुमार को पहले लेके आना था जडेजा को बाद में लेके आना था अब ये सारी चीजें बाद में तो होती रहती है ना देखो वंस यू गॉट फेल्ड तो आप हार गए ठीक है खत्म बाद में तो एनालिसिस होता ही रहता है जीतते अगर इंडिया जीत जाती तो यही चीजें जो आज नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव बदल जाती अच्छा हुआ सिराज को पहले बॉलिंग दे दी अच्छा हुआ जडेजा को पहले भेज दिया तो जो चीजें आज नेगेटिव हो रही हैं वही जीतने पे पॉजिटिव हो जाती सो लेट्स लीव लेट्स फोकस ऑन अदर थिंग्स जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने क्वेश्चन के लिए लर्न कर लीजिए कि छठी बार ऑस्ट्रेलिया जीती है और इंडिया दो बार जीती है अभी तक वर्ल्ड कप और दो ही बार जीती है कपिल देव और धोनी जी ठीक है चले थ्योरी जो है वो साइंस की आपको क्लास ट्वेंटी फोर एप्लीकेशन पे मिल जाएगी वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लास ट्वेंटी फोर एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन के ऊपर आपके सारे साइंस का डिटेल थ्योरी चल रहा है साथ में ई बुक्स भी आपको दी जा रही हैं, जिसमें से आ, फिजिक्स की ई बुक जा चुकी है ऑलरेडी बायो की ई बुक जो है वो इस हफ्ते के आखिरी तक जाने वाली है उसके अलावा आपका फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन पे भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल आई इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल दो हजार पे आयोजित होगा

चलिए अब अब तो थोड़ा क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं बाकी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे भारत भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पे हो रहा है पहली बार अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये नाइन्थ एडिशन होने वाला है जनवरी 2024 के अंदर यानी कि अगली साल का ये क्वेश्चन है सत्रह से लेके बीस जनवरी ये होगा फरीदाबाद में जो कि एक डिस्ट्रिक्ट आती है इम्पोर्टेंट हरियाणा राज्य के अंदर और ये जो सेशन या ये जो पूरा एक फेस्टिवल होने वाला है इसकी थीम रखी गई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक इन द एज ऑफ एंटीक्विटी आपने ए से रिलेटेड अभी काफी सारी इंफॉर्मेशन सुन ही ली होगी कि ए जो है वो जितना आपके लिए पॉजिटिव का पॉजिटिव आ, आ रहा है या पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं अब ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आए हुए अभी बहुत दिन भी नहीं हुए लेकिन ए के नेगेटिव वीडियोस आपको ज्यादा नजर आ रहे होंगे इवन एलन मस्क जो है ना उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि ए आई इज द वर्स्ट थिंग जो साइंस के फील्ड में आप कर सकते थे या आपने किया है ए की मदद से क्राइम्स जो इंटेलिजेंट क्राइम जिसे आप बोलते हो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे फोन की हैकिंग करना आपके व्हाट्सएप से कॉल आ रहा है या व्हाट्सएप पे भी कुछ आया इवन आ सिंगल आपने अगर कोई बटन टच भी किया आपके फोन का तो भी शायद आपकी पूरी हैकिंग हो जाएगी ऐसे करके ए जो है वो बहुत ही नेगेटिव इमेज क्रिएट कर रहा है तो एलन मस्क के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई है साइंस इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के क्वेश्चन पे मैं आपको ये बता रही हूँ और एक वीडियो भी काफी ज्यादा फेमस हो रहा है जहां पे एक मेल की वॉइस फीमेल फीमेल की वॉइस मेल उसके बाद फोटो भी चेंज हो जाएंगे आपके जेंडर भी चेंज हो जाएगा आपके घर पे आपके पेरेंट्स को आपके फादर या मदर को ऐसा कॉल जाएगा जहां पे आप बहुत परेशान होकर उनसे कुछ डिमांड कर रहे हो भारत कहते हैं ना ज्यादा भी विकास बर्बादी की तरफ लेके जाता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो बर्बादी से ज्यादा ना और कुछ भी नहीं है रिसेंटली ज्वाइंट एक्सरसाइज जिसका नाम है मित्र शक्ति दो हजार तेईस ये लॉन्च हुआ है इंडिया और दूसरी कौन सी कंट्री के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का भी वर्जन जो है वो यहाँ पे नाइन थी था है ना नाइन्थ आपके इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का भी और मित्र शक्ति 2023 का भी इसका नाइन्थ ही एडिशन है पुणे के अंदर ये इंडिया के अंदर पुणे के अंदर ये ऑर्गेनाइज हो रहा है 16 तारीख से लेके 29 तारीख के बीच में महीना नवंबर साल 2023 16 से 29 नवंबर 2030 के 23 के बीच में पुणे के अंदर जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है वहां पे ये एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जा रहा है और इसमें मराठा लाइट इंफेंट्री रेजिमेंट इनके साथ ही एक्सरसाइज परफॉर्म की जा रही है मेन इंपॉर्टेंट श्रीलंका हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है आ, कहते हैं कि वीरेंद्र सहवाग अरविंद डिसल्वा इनको इसमें शामिल किया गया है और भारत की डाइना डाइना एडोल्जी डाइना एडोल्जी इनको इसमें शामिल किया गया है ये फिफ्टी फोर मैच खेली हैं इन्होंने 100 से ज्यादा विकेट्स भी भारत के लिए लिए हैं ठीक है डाइना एडोल्जी करके याद रखिए हाल ही में किसे पहला लाइफटाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा और ये अवार्ड का नाम ध्यान से सुनिएगा ये यही है ठीक है लाइफटाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसने अपनी लाइफ में ज्यादातर डिस्टरबेंसेस ही देखी होंगी ये इंडियन ओरिजिन है लेकिन ब्रिटिश सिटीजन के रूप में जाने जाते हैं 14 नवंबर 2023 यानी कि अभी लास्ट वीक ही इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया सलमान रुश्दी सटैनिक वर्ष सटैनिक सटेनिक वर्षिक है ना सटैनिक वर्सन या सैटानिक वर्जन करके इन्होंने एक किताब लिखी थी शैतान सैटानिक का मतलब होता है शैतानी है ना तो इसके लिए इन्होंने थोड़ा सा मिडल ईस्ट को या फिर इस्लामिक जो कल्चर है उसको ध्यान में रखते हुए वो किताब लिखी थी जिसके पीछे इनके ऊपर मर्डर का अटेम्प्ट भी हुआ था इनके ऊपर मिडनाइट चिल्ड्रन शेम सैटानिक वर्सेस सैटानिक वर्सेस द मूर्स लास्ट साइड हुरो एंड द सी ऑफ स्टोरी फ्यूरी लुक आर द फायर ऑफ लाइफ कुछ लिखी हुई किताबें हैं इनकी सलमान रुष्टी की इम्पोर्टेंट हाल ही में भारतीय सेना और बी आर ओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने वैली ब्रिज का निर्माण कहाँ पे पूरा किया टनल का सिचुएशन आपको पता है उत्तराखंड के अंदर इकतालीस जो लेबर है जो वहां पे टनल के कंस्ट्रक्शन में लगी हुई थी वो फंसी हुई है और अभी तक किसी भी तरीके से कोई भी जस्ट यहाँ पे कोई भी ऐसा चीज सुराग नहीं मिल पाया है जिससे उनको छुड़ाने की बात यहाँ पे की जा रही हो ठीक है ट्राई इंडिया की इंडियन आर्मी की ट्राई शक्ति या त्रिशक्ति के रूप में जानी जाती है उसके जवान और बी आरओ के जवान मिलके क्या कर रहे हैं सिक्किम के अंदर क्या बना रहे हैं बैलीज ब्रिज तीस्ता नदी अच्छा नदी का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सी नदी पे ये ब्रिज बनाया जा रहा है तो तीस्ता नदी करके याद रखिए तीस्ता नदी पे उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है बताइए उड़िया प्लाटू इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हाईएस्ट प्लेटू है इस राज्य का और इसी प्लाटू के ऊपर गुरु शिखर जो है वो मौजूद है अब गुरु शिखर की बात करें तो याद रखिए गुरु शिखर इज रिलेटेड टू द राजस्थान है ना गुरु शिखर कहां से रिलेटेड है राजस्थान से तो उड़िया पठार को पढ़ते समय आंसर उड़ीसा नहीं लिख दीजिएगा कि उड़िया लिखा है तो उड़ीसा आंसर यहाँ पे कर दे ऐसा नहीं कर दीजिएगा उड़िया पठार लोकेटेड है राजस्थान के अंदर हाँ पता है मुझे ना उड़ीसा ही आएगा उड़िया पठार मतलब उड़ीसा ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे और आप फंसोगे एक हजार तीन सौ साठ एक हजार तीन सौ साठ मीटर की मैक्सिमम ऊंचाई के साथ उड़िया पठार जो है वो भारत का राजस्थान में मौजूद पठार कहा जाता है सिरोय या शिरोई लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय लिली है स्थलीय क्या हो गया जो आपके टेरेस्ट्रियल एरिया में पाई जाती है वरना सिरोई लिली या फिर लिली के प्लांट जो होते हैं वो ज्यादातर एक्वेटिक होते हैं तो यहाँ पे एकटिक पे नहीं लेके जाना आप याद रखिएगा सिरोई लिली जो है वो उखरूल डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर की वहां पे पाया जाता है 1946 से ये काफी ज्यादा फेमस है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लांट स्पीशीज है पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बैंडेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है बताइए पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बैंडेल चर्च भारत के कौन से राज्य के अंदर स्थित है बेंडेल बेंडेल चर्च कहाँ पे मौजूद है ये 1660 में गोमेस डी सोटो गोमेस डी सोटो के द्वारा निर्माण किया गया था बेस्ट बेंगल करके याद रखिए 1660 के आसपास गोमेस डी सेटो गोमेस डी सेटो के द्वारा इसका निर्माण किया गया था बेस्ट बेंगल वीमा विनायकम वीना बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इरडा के नाम से इसको जाना जाता है इसका हेड ऑफिस पे लोकेटेड है आराम से चर्च मतलब गोया गोवा ही आंसर करना है है ना चर्च का मतलब रहेगा तो गोवा आंसर करेंगे है ना उसके अलावा उड़िया पठार रहेगा तो उड़ीसा आंसर करेंगे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो कहीं करेंगे Of डेवलपमेंट अथॉरिटी इस इस आप पचास क्वेश्चन के आंसर दे लीजिए फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि जो आज के आप क्वेश्चन कर रहे हो ये कहाँ से कौन से एग्जैक्ट कौन से पेपर से हैं तब आपको लगेगा अच्छा इसीलिए कुछ क्वेश्चन घुमा के पूछे गए हैं इरडा एक्ट नाइनटीन का एक्ट है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो हैदराबाद के अंदर लोकेटेड है ठीक है इरडा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है नई दिल्ली नहीं है इरडा का हेडक्वार्टर हैदराबाद के अंदर लोकेटेड है इरडा 1990 के एक्ट से बनाई गई थी स्वर्ण क्रांति या गोल्डन रेवल्यूशन ये कौन सी एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है पहले आप आंसर दीजिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगी बिल्कुल कि ये जो आज आपका टेस्ट आपने किया है तभी तो अच्छा लगेगा ना पहले आंसर्स दो पहले ही बता दिया तो आप लोग तो फिर अलग ही लेवल पे चले जाते हो पहले आप दो उसके बाद लास्ट में मैं बताऊंगी आप ये बताइए स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र से रिलेटेड है सिल्वी कल्चर पिसी कल्चर सेरीकल्चर या हॉर्टिकल्चर गोल्डन रेवल्यूशन कौन सी चीज से रिलेटेड है हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर ये फ्लारिंग से रिलेट होता है आपका हॉर्टिकल्चर फ्लार से रिलेट करता है ठीक है उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका अधिकार क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है नेम दाईकोर्ट दैट हैजरिस्डिक्शन ओवर दूनियन टेरिटोरीज ऑफ द अंडमान एंड निकोबार अंडमान एंड निकोबार का जो कोर्ट है हाईकोर्ट जो है वो किससे रिलेटेड है कौन से स्टेट से रिलेट करता है बॉम्बे कोर्ट में आता है, मद्रास हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट और केरला कोर्ट, अंडमान एंड निकोबार की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ पे आपकी डिक्लेयर की जाती है जैसे देखिए आप याद रखिए कि आपके जो ये हमारे जो यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें से खाली दिल्ली है ना जिसका अपना हाई कोर्ट है यहाँ पे हाई कोर्ट बोलते हैं उसके अलावा किसी और राज्य का भी है क्या है दूसरा राज्य जो अभी तक तो हम दिल्ली ही लर्न करते थे अब जब जम्मू कश्मीर भी स्टेट कैटेगरी में आ गया है, तो आप याद रखिए हाई कोर्ट दिल्ली और जम्मू कश्मीर के अपने हैं उसके अलावा भारत के सभी जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो किसी ना किसी दूसरे हाई कोर्ट के साथ सब ऑर्डिनेट हो रखे हैं जिसमें से अगर आप बॉम्बे की बात करोगे ये सॉरी अंडमान एंड निकोबार की बात करोगे क्या बात है कलकत्ता करके याद रखिए कैलकटा लका हाईकोर्ट कलकत्ता उच्च न्यायालय में के साथ इसको यहाँ पे साझा किया गया है एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट का वो सदस्य नहीं है लेकिन शायद कुछ चीजें हैं या कुछ समय के लिए आपको किसी को सदस्य बनाना है तो ये कौन कर सकता है ये प्रेसिडेंट कर सकते हैं ठीक है थीके? प्रेजिडेंट उसको मिनिस्टर के रूप में कितने मैक्सिमम पीरियड के लिए या मैक्सिमम कितने महीनों के लिए उसको पार्लियामेंट का सदस्य बना सकते क्या बात है बहुत ही बढ़िया छ महीने ठीक है छह महीने के लिए राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है उसको मैक्सिमम छ महीने के लिए मेंबर बना सकते हैं सिक्स मंथ बिछुआ की पत्ती ये आ, ये नेटल लीफ के लिए बोला जाता है नेटल लीफ Leaf, hair of leaf. आपने कुछ ऐसी पत्तियां देखी जिसमें कुछ कांटे कांटे लगे रहते हैं तो कौन सा भरा हुआ होता है आपको लगता है अगर रेलवे या एस एस सी आपसे आगे अगर कुछ क्वेश्चन पूछेगी या पेपर कराएगी फटाफट रेलवे तो वही आपसे पूछेगी कि लाल चीटी में कौन सा एसिड होता है नहीं ना कुछ तो अलग पढ़ना पड़ेगा सो दैट्स द क्वेश्चन बिचुआ की पत्ती में चुभने वाले जो हेयर होते हैं बाल होते हैं उनमें कौन सा एसिड जो है वो मौजूद होता है क्या बात है बहुत ही बढ़िया पुनीत और बाकी सारे बच्चे जो ए लिख रहे हैं गिरीश वेरी गुड मिथेनोइक एसिड मिथेनोइक और ऐसे आप इसको लर्न करो मिथेनॉल या फिर ये जो होता है ना जितने भी आपके ये पतियां होती हैं जैसे आपकी जो आयोडेक्स बनाने के लिए पतियां वगैरह यूज की जाती हैं वो सारी की सारी मिथनोइक एसिड को रिप्रेजेंट करती हैं ओ एक जो है वो एच के लिए लिखते हैं और ओ एच मिथनोइक तो एच सी ओ एच करके आपका लिखा जाता है फॉर्मूला अकबर नामा का डैश खंड अकबर के प्रशासन अकबर के घर सेना राजस्व और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है जिसे आईने अकबरी के रूप में जाना जाता है तो आईने अकबरी मतलब अकबर के बारे में पूरा यहाँ पे आईना दिखाई दे रहा है ना अकबर के बारे में आप पूरा आईना दिखा रहे हो बढ़िया तरीके से ये अकबर के अकबर नामा जिसे कहते हैं अकबरनामा आईने अकबरी ये कौन से वॉल्यूम में या कौन से पार्ट में क्या बात है भाई दिलीप मोदक थर्ड यहाँ पे लर्न करिए तीसरा तीसरे खंड में जो अकबर नामा है उसके तीसरे खंड के अंदर अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन घर उसकी सेना राजस्व उसके बारे में लिखा हुआ है बाकी पूरा से इकोनॉमी को एक्सप्लेन किया हुआ है तो थर्ड वॉल्यूम करके याद रखिए 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में चेरी चेरी एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम एज अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे कौन सी अबुल फजल आईने अकबरी अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई किताब है 16वीं सदी का ये दस्तावेज है अबुल फजल ने इसको फारसी भाषा में लिखा था मुगल सम्राट के पूरे दरबार के बारे में उनके इकोनॉमी के बारे में उनकी सेना के बारे में इसमें लिखा गया था तेरह साल अबुल फजल ने इस किताब के ऊपर काम किया था यहाँ पे और पहली पुस्तक के अंदर अकबर के पूर्वजों के बारे में लिखा था दूसरी में अकबर के काल के अंदर जो भी चीजें हुई थी घटनाएं जैसे बीरबल की खिचड़ी ऐसा टाइप की जो घटनाएं हैं उनको लिखा था तीसरे में उनकी पैदावार फसल घर कल्चर किस तरीके की फैमिली थी मतलब फैमिली ओरिएंटेड चीजें यहाँ पे और हेनरी बेवरेज याद रखे हेनरी वेबरिज ने 20वीं सदी में इसी अकबरनामा का कन्वर्जन किया था कन्वर्ट किया था उसको मतलब मैंने की थी इन टू दिश इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट राइट अब यहाँ पे चेरी दैट विल फॉल इन वन ऑफ़ माउथ वन डे इन आर माउथ ये ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्सपेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे एक राज्य का है जिसको अवध के नाम से जाना जाता है ठीक है अवध का जो क्षेत्र है अवध वाला पूरा क्षेत्र जो था इसको अंग्रेजों के द्वारा कहा जाता है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रेंडली स्टेट अच्छा अवध ऐसा नहीं राज्य था जिसकी अंग्रेजों के साथ कोई लड़ाई चल रहा है या ऐसे कुछ अवध जो है ये पूरा एरिया आ, सेंट्रल ये वाला अच्छा ये अवध वाला कौन सा एरिया ये बिहार वाला जो पूरा एरिया है ना बिहार के एरिया को और कुछ झांसी बनारस इन एरिया को मिला के ही अवध का क्षेत्र कहा जाता है ना ये इसके लिए लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये कहा गया था ठीक है सुभाष चंद्र बोस ने उन्नीस में मोयरांग में आई का झंडा फहराया वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है अब डेली डेली एक ही तरीके के क्वेश्चन करें उससे तो अच्छा है ना थोड़ा सा इस पार्ट को कवर करते हैं ये इन चारों में से एक राज्य की राजधानी से 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आती है और वो जो डिस्टेंस है वो 45 किलोमीटर इम्फाल से है अब इम्फाल भारत के कौन से नॉर्थ ईस्ट राज्य की राजधानी है वही यहाँ पे आंसर है मणिपुर मणिपुर करके याद रखें मणिपुर इम्फाल तो जो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा आईएनए का फ्लैग मोयरंग में फैलाया गया था तो ये मोयरंग जो है वो मणिपुर के एक डिस्ट्रिक्ट के लिए कहा जाता है ठीक है मणिपुर निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटका के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है हिस्टोरिकली इस नदी को बंटवाल नदी के नाम से जाना जाता है और ये नदी कर्नाटक के अंदर मौजूद है ट्वेंटी सेंचुरी से पहले मतलब ट्वेंटीएथ सेंचुरी से पहले इस नदी को बंटबाल ही कहते थे बंतबाल या फिर इस चीज का कोई मतलब होगा जो वहां के कल्चरल एस्पेक्ट से रिलेटेड है बंतबाल नदी के रूप में जाना जाता था इसको आज यही नदी आपकी इस नाम से जानी जाती है वेन गंगा भारत पूजा भारत पूजा पेरियार नदी और नेत्रावती देखो कर्नाटक लिख है तो पेरियार तो आप पहले ही क्रॉस कर दो यहाँ पे वेन गंगा गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है और गोदावरी की ट्रिब्यूटरी ये उस तरफ में चली जाती है ऊपर की तरफ क्या बात है नदी वेरी गुड नदी नेत्रावती नदी ये कल्चरली कर्नाटक की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स में से काउंट आपकी की जाती है सही लग ये मजा आ रहा है ना क्वेश्चन करने में डेली डेली एक जैसे क्वेश्चन जिसके आंसर मुझे भी पता है आपको भी पता है फिर मजा नहीं आता पढ़ने में ना अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसे जिनके लिए थोड़ा एफर्ट्स डालने पड़े मुझे भी इनका हिस्टोरिकल चीजें निकालनी पड़ी इन क्वेश्चन के आंसर देने के लिए ऐसे मजा भी है ना मिलम ग्लेशियर मैलम या मिलम ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है बताइए कौन से पार्ट में स्थित है गोरी गंगा जिसे कहते हैं उत्तराखंड हिमाचल लेह जम्मू कश्मीर सब भारत के नदन वाले क्षेत्र को यहाँ पे चारों स्टेट्स जो लिखे हैं या यूटी जो लिखा है ये सारे नदन वाले स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है गोरी गंगा जो है यहीं से ओरिजिनेट करती है और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बड़ा सा इसके साथ एक ग्लेशियर है जिसको सियाचिन ग्लेशियर के रूप में जाना जाता है मिलम ग्लेशियर कुमायू के अः कुमायू में स्थित है जो कि उत्तराखंड का कुमायू दो डिस्ट्रिक्ट्स में दो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में एरियाज में डिवाइड है कुमायूं और गढ़वाल कुमायूं वाला क्षेत्र है वहां पे मिलम ग्लेशियर जो है ये भारत के उत्तराखंड में पाया जाता है आग के पास किस रसायनिक का सूखा पाउडर छोड़ने से सीओ टू निकलती है सोडियम कार्बोनेट एनए टू सीओ थ्री सोडियम बाई कार्बोनेट एनए सीओ थ्री अमोनिया एन एच फोर और सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड एनए सीएलए सी एल ही होगा पे बताइए जरा कौन सी चीज को अगर आप आग के पास रखोगे या आग के पास उसका सूखा पाउडर ऐसे छिड़कोगे तो सीओ टू की मात्रा सबसे ज्यादा निकलेगी क्वेश्चन से क्लियर है एन ए सी एल में सीओ टू की मात्रा है भी नहीं तो ना तो ऑक्सीजन देखिए जब भी कंबशन होता है जब भी दहन करते हैं किसी भी चीज का ऑक्सीजन उस दहन को करने में मदद करती है लेकिन ऑक्सीजन की मदद से जो कंपाउंड है या फिर जो कोई भी आप किसी भी चीज की बात कर करो सीओ टू की मात्रा बहुत अमाउंट में रिलीज होती है नमक के जलाने पे सोडियम क्लोराइड ही तो है जब यहाँ पे एक्स्ट्रा कार्बन है ही नहीं इन दोनों में तो रिलीज भी नहीं होगा यानी कि अमोनियम और सोडियम क्लोराइड दो ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें ना तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना ही कार्बन मौजूद है तो ये तो सीओ टू रिलीज कर ही नहीं सकते हैं इन दोनों में मौजूद है लेकिन अगर मैं बात करूं कि हाइड्रोजन की प्रेजेंस की वजह से सोडियम बाइकार्बोनेट खाना सोडा में से जब निकलती है जब आप उसको जला रहे हो पाउडर को तो CO2 रिलीज होती है सोडियम बाइकार्बोनेट इस्तेमाल किया जाता है इसी एक रीजन की वजह से फायर एक्सटिंग में अग्निशमक जो होते हैं उनमें सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है इस क्वेश्चन को आप किसी और पॉइंट से ना सोचते सिर्फ इसी पॉइंट से सोच लेते ना कि आपका जो अग्निशमक केंद्र होते हैं फायर एक्सटिंग जो होते हैं उसमें खाना सोडा को इस्तेमाल किया जाता है तो भी आपको समझ आ जा जाता है यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट को अग्निशमक केंद्र में इस्तेमाल ही इसीलिए करते हैं क्योंकि वो सीओ टू रिलीज करता है और सीओ टू एक हैवी गैस है जिसके रिलीज होने से ओ टू की जो मात्रा है वो कम हो जाती सोडियम बाई कार्बोनेट जो है वो आंसर रहेगा चेबी चैबी मुरा गोमती नदी के पास खड़ी पहाड़ी पहाड़ी दीवार पर एक चट्टान पर नक्काशी के पैनल के लिए प्रसिद्ध है ये भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है चम्बी बुरा चैबी बुरा या चेम्बी म्यूरा के नाम चैम्बी म्यूरा ठीक है पढ़ा है आपने इससे पहले क्या चैम्बी म्यूरा एक ऐसी जगह है या एक ऐसी पहाड़ियों की सीरीज है जैसे ये पहाड़ है इस तरीके से और इन पहाड़ों के ऊपर नक्काशी है और नक्काशी किस चीज की है हिंदू गॉड और गॉडेस की जैसे शिव जी की दुर्गा माता की विष्णु जी की ऐसे करके इन पहाड़ियों पे नकाशी की गई है और इन्हीं के यहाँ से निकलती है इधर से निकलती है एक नदी जिसको गोमती के नाम से जाना जाता है आपको शिप पे बिठाते हैं और यहाँ पूरा फॉरेस्ट है घना जंगल है और आप ट्रेवल करो और आपको जगह जगह जो है वो दिखाई दे रही है यहाँ पे मतलब आपको कार्विंग दिखाई दे रही है ये कौन सी जगह है चकवार इसको चक्रमा के रूप में भी जाना जाता है गोमती नदी के ऊपर मौजूद है क्या बात है बहुत ही बढ़िया त्रिपुरा की यहाँ पे बात हो रही है अगरतला राजधानी सीएम सीएम जो है वो मानिक शाह त्रिपुरा वेरी गुड त्रिपुरा जो है ना वहां पे ये मौजूद है और इंडियन गॉडेस की तस्वीर है और कोई नहीं जानता है साइंटिफिकली भी कार्बन डेटिंग करके भी जब देखा गया तो भी ये पता नहीं चला है कि ये एक्चुअली में ये जो कार्विंग की गई है वो कब की गई है किसने की है कोई भी उसका हिस्टोरिकल एविडेंसेस नहीं है और जहां तक के लोगों का कहना ये कि इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ना ये इम्पॉसिबल है कि आप नदी के किनारे पहाड़ जो है उनपे आप कार्विंग देख रहे हो वो छोटी मोटी कार्विंग नहीं है पूरी एक तो तस्वीर ऐसी है जो बहुत ही ह्यूज है और उस पर दुर्गा माता या काली माता की तस्वीरें बनी हुई हैं तो बहुत ही साइंटिफिकली काफी चौंका देने वाली चीज है बहरहाल त्रिपुरा के अंदर मौजूद है ये बुर बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला जिसे दक्कन का दरवाजा या डेक्कन का दरवाजा भी कहते हैं ना गेट ऑफ डेक्कन के नाम से जाना जाता है ये निम्नलिखित में से किस राजा के द्वारा बनवाया गया था तो ये सिंपल क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन मुश्किल है लेकिन इसका आंसर आप ऐसे हय है, 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 है वंश है जिसके राजा थे आशा अहिर इन्होंने असीरगढ़ फोर्ट बनवाया था जो बुरहानपुर में मौजूद है और दक्कन के दरवाजे के रूप में इसको जानते हैं बुरहानपुर की अगर हम बात करें तो बुरहानपुर कहाँ पे है ये है मध्य प्रदेश के अंदर बुरहानपुर मध्य प्रदेश के अंदर है हम डायनेस्टी के असा अहिर नाम के एक शासक के द्वारा असीरगढ़ फोर्ट के अंदर दक्कन का दरवाजा बनवाया गया था 1922 में असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्थगित करने के बाद क्यों स्थगित किया गया था पांच फरवरी ने प्रोटेस्ट किया को बदले पुलिस वाला और, और जो लोग थे स्थानीय लोग थे वो और गुस्सा हो जाते हैं और पूरे पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं जिसमें बाईस लोग जल जाते हैं उन्नीस में चौरी चौरा इंसिडेंस के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के लिए साधारण कारावास की सजा भी सुनाई गई थी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है चार साल की सजा सुनाई थी गांधी जी को कितने साल की क्वेश्चन रिलेट कर रहा है चौरी चौरा इंसिडेंट से इसी के बाद गांधी जी ने इसको खत्म कर दिया था नॉन कॉर्पोरेशन या सहयोग आंदोलन को Uh, काफी सारे लीडर्स गुस्सा भी हो गए थे जिसमें जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू चित्रंजन दास जी थे इसी का रिजल्ट बनता है 1923 में स्वराज पार्टी छह साल कर लीजिए गांधी जी को छह साल की आ, सजा दी गई थी ठीक है उनको छह साल का साधारण कारावास दिया गया था डिफिकल्ट वाला नहीं तो गांधी जी अपना बाहर चापे पे और पे डाल के नाइनटीन के बाद जब उन्हें अरेस्ट किया गया था तो उसकी कुछ फोटोग्राफ्स भी है इंडियन रेलवे रे, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट

और यहाँ पे रिनोवेशन की बात की गई है सारे प्लेटफॉर्म्स की एक हजार सैतीस वन जीरो सेवन, हम्पी के खंडरों को कौन से साल में प्रकाश में लाया गया था हम्पी के जो खंडर हैं इसमें कॉलन कॉ, कर्नल कॉलन मकैनजी कर्नल कॉलन मकैनजी कर्नल कॉलिन मकैनजी किसने किसने इनको लाया था ये भी इंपॉर्टेंट है ठीक है कर्नल कॉलन मकैनजी ने 1800, 1800 ही लिखा जाता है के 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 आसपास हम्पी के जो, हम्पी जो 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 खंडर थे उनको थोड़ा सा लाइमलाइट में लेके आए भाई इसको चेक करो यहाँ पे ये क्या है उसके बाद इनकी डायनेस्टीज वगैरह के बारे में पता लगाया गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा पुर्तगाली यात्री जिसने ऑडियंस हॉल और महानवमी डिब्बा को संयुक्त रूप से विजय का घर कहा था द पुर्तगाली ट्रेवलर जॉइंटली कॉल द ऑडियंस हॉल एंड द महान नवमी डिब्बा एज द हाउस ऑफ विक्ट्री कर्नाटक के अंदर हम पी अठारह के अंदर कॉलिन मकैंजी करके याद रखिए विजयनगर एम्पायर को ट्रेवल किया था इसने हम्पी को डिस्क्राइब किया था ऐसे कि विजयनगर एम्पायर की कैपिटल है फिफ्टीन ट्वेंटी के राउंड जब इन्होंने ट्रैवल किया था यहाँ पे और कृष्णदेव राय का पूरा जो क्षेत्र है उसको भी ट्रैवल यहाँ पे करने की कोशिश इन्होंने की गई थी यहाँ पे डोमिन डौमें, डोमिंगो पैस करके याद रखिए इनके द्वारा काफी सारे जो जगहों को आइडेंटिफाई की गई थी खासकर कर्नाटक हम्पी वाला जो पूरा क्षेत्र है वो डोमिन डौमेंग, डोमिंगो पैस के द्वारा डिस्कवर और नाम दिए गए थे निम्नलिखित में से कौन सा बहुउद्देश्य परियोजना और नदी सही सुमेलित नहीं है सुमेलित सलल चनाव पे है बान सागर सोन नदी के ऊपर है उकाई जो है वो बनास नदी के ऊपर है उकाई डैम और थीन डैम जो है वो रवि नदी के ऊपर है इनमें से कौन सी परियोजना गलत मैच कर रही है उकाई अच्छा सलल चिनाव के ऊपर ही है कोई दिक्कत बांसागर सोन नदी के ऊपर है थीन नदी के ऊपर थीन नदी थीन डैम जो है वो रावी नदी के ऊपर बना है और उकाई करके याद रखे हम ताप्ती से रिलेट करते हैं ठीक है ताप्ती से उकाई जो है वो क्या बात है उकाई जो है वो किससे रिलेट कर लीजिए ताप्ती नदी से या तापी नदी से रिलेट कर लीजिए बनास से नहीं उकाई तापी सलाल चनाब ये जम्मू कश्मीर वाला बानसागर सोन और थीन थीन डैम रावी नदी के ऊपर जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें किस कारण क्रीम जो है वो अलग हो जाती है ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया है ना तो चर्निंग ऑफ मिल्क कहते हैं ना चर्निंग ऑफ मिल्क जो है वो किसकी वजह से होता है सेंट्री फ्यूगल फोर्स अब केंद्रिक बल दो होते हैं अब केंद्रिक बल जो है वो पेरीफेरी पे लगता है सेंट्री फ्यूगल फोर्स पेरीफेरी पे लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो अंदर की तरफ लगता है सेंटर की तरफ चर्निंग ऑफ मिल्क में सेंट्री फ्यूगल फोर्स सिख परंपरा के अनुसार निम्नलिखित में से किस सूफ संत को हर मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है अकॉर्डिंग टू सिख ट्रेडिशन विच ऑफ सूफी सेंट इज गिवन द क्रेडिट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एवरी टेम्पल किसके लिए बोलते हैं कादरी ऑर्डर की कादरी ऑर्डर के ये फेमस संत के रूप में जाना जाता है और गुरु अर्जुन देव के समय हर एक मंदिर की जो एक नींव रखी गई थी वो मिया मीर के द्वारा रखी गई थी ठीक है मियाँ मीर इनमें से कौन सा आर्टिकल सही मैच नहीं कर रहा <coughs> आर्टिकल थर्टी नाइन का इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड आर्टिकल चालीस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत चवालीस यूनिफॉर्म सिविल कोड और 48 सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव पालिका का कार्यपालिका से प्रथककरण सही सुमेलित नहीं है बताना थर्टी नाइन का इक्वल जस्टिस एंड फ्री एड चालीस ग्राम पंचायत ये आपने पिछली कुछ क्लासेस में पढ़ा है चालीस और चवालीस तो ठीक है थर्टी नाइन ए और डी में थर्टी नाइन ए और फोर्टी एट में कंफ्यूजन हो सकता है तो थर्टी नाइन ए जो है वो ठीक है और सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव जो है ये है 50 के अंदर आर्टिकल नंबर 50 एग्जैक्ट लर्न कर लीजिए न्यायपालिका को कार्यपालिका से जो अलग किया गया है वो आर्टिकल नंबर 50 में किया गया है 50 में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है विच ऑफ दी फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच दक्षिण पश्चिम मानसून और राज्य के नाम मैंगो शावर केरला काल बैसाखी राजस्थान लू हरियाणा और मंजरी शावर कर्नाटका मॉनसून के बारे में लिखा हुआ है दक्षिण पश्चिमी मॉनसून और उसके अलावा यहाँ पे उनके राज्य के नाम लिखे हुए हैं तो म, मैंगो शावर केरला से रिलेटेड है लू हरियाणा में ही आती है मंजरी शावर कर्नाटका से है काल बैसाखी जो है ये कहाँ से संबंधित है काल बैसाखी जो है ये कहाँ से संबंधित है राजस्थान से ये कालबेलिया जैसे आपके दिमाग में रहता है ना राजस्थान का फोक डांस जो है वो कालबेलिया है तो उसी तरीके से दिमाग में क्वेश्चन है और काफी अच्छे से सोच के ये क्वेश्चन बनाया गया है कि काल बैसाखी राजस्थान नहीं काल बैसाखी लर्न कर लीजिए ये बेस्ट बंगाल से संबंधित है कहाँ से बेस्ट बंगाल तो काल बैसाखी आप बेस्ट बंगाल याद रखिए क्योंकि हम जब राजस्थान की बात करते हैं तो वो काल बेलिया वाले कॉन्सेप्ट जाता है वैकल्पिक उपबंध जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अनिवार्य क्षेत्राधिकार के परिभाषित करता है उसकी उत्पत्ति अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की के किसी एक अनुच्छेद से होती है। फ्रॉम फ्रिच वन आर्टिकल ऑफ द स्टैट्यू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यह आपके ऑप्शनल प्रोविजन के बारे में हाँ, बंगाल ही लिखा ना आपका बंगाल ही तो बोला मैंने जहां भी ये कहा गया है कि इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस जो है वो सत्तर आर्टिकल और उसमें पांच चैप्टर्स होंगे ऐसा आर्टिकल नंबर छत्तीस के अंदर की आईसीजे आपकी आर्टिकल छत्तीस में दंडा कार्य प्रदेश स्टेट uh, इज नॉट दंडाकारयन इनमें से कौन सी स्टेट में नहीं पाया जाता है अच्छा आप ऐसे बता दो ये थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज गलत हो गया दंडाकारयन इज नॉट लोकेटेड नॉट लोकेटेड इज नॉट लोकेटेड इन विच स्टेट ठीक है दंडाकारयन वन जो है दंडाकारयन वैसे वन ही है ना आपका दंडाकारयन वन इनमें से किस प्रदेश में स्थित नहीं है इनमें से

जो बाली सुग्रीव हनुमान जी वाला जो युद्ध है आपका वो पूरा मतलब बाली सुग्रीव वाला युद्ध जहाँ पे हनुमान जी मदद करते हैं तो दंडा वन से होके गुजरता है वो कल्चरल एस्पेक्ट हो गया आपका रिलीजियस एस्पेक्ट हो गया जोग्राफिकली बोला जाए तो ईस्टर्न प्लेटो का हिस्सा है पिचासी हजार स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का ये हिस्सा है कोरापुट और कालाहांडी उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट में ये मौजूद है छत्तीसगढ़ का जो बस्तर वाला क्षेत्र आता है उसमें दंडाकार्यन वन जो है वो लोकेटेड है और गोदावरी विशाखापट्टनम और श्री कैलम श्री कैलम बोलते हैं ना श्री कोलम श्री कुलम श्री कुलम वाला क्षेत्र जो है वो आंध्र प्रदेश को कवर करता है तो ऐसे करके आपके टोटल मिला के तीन दो पांच और सात सात मेन एरियाज है जहां से ये पूरा आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होके गुजरता है मध्य प्रदेश करके याद रखिए दंडा कार्यन वन मध्य प्रदेश के अंदर नहीं आता छत्तीसगढ़ के एरिया को कवर करता है ठीक है तो आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जहां पे दंडा कार्यान्वयन मौजूद है जिस पदार्थ में आग लगने और फैलने की संभावना सबसे कम होती है वो कौन सा कपड़ा होता है सबसे कम आग और काग फैलेगी भी नहीं इसी चीज के लिए इसको प्रोड्यू थोड़ा सा कहते हैं कि प्रमोट भी करता है कई बार आपने सुना होगा कि कपड़े कॉटन के ही पहनना चाहिए ज्यादातर बेडशीट्स आपकी कॉटन की आती हैं कर्टन कॉटन के आते हैं ज्यादातर कर्टन्स जो होते हैं वो कॉटन के लिए जाते हैं क्योंकि जो कॉटन होता है उसमें आग के लगने और फैलने की संभावना सबसे कम होती है इसमें सेल्यूलोज होता है जो कॉटन होती है उसमें सेल्यूलोज होता है जिसकी वजह से आग इतना इजीली फैलेगी नहीं निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बेलाडिला मध्य प्रदेश कैमांगुंडी कर्नाटक सिंह भूमि झारखंड और मयूरभंज उड़ीसा ये क्षेत्रों के नाम है और ये क्षेत्रों के नाम है स्टील माइन से रिलेटेड स्टील की खाने हैं यहाँ पे स्टील की खदाने हैं यहाँ पे स्टील का खनन भी किया जाता है तो ये कौन से क्षेत्र से रिलेटेड यहाँ पे नहीं है मयूरभंज आप सिंह भूमि आप जान रहे हो सिंह भूमि झारखंड के अंदर जो मौजूद है ये सही है यहाँ पे भारत का पहला हाथी का अभ्यारण एलिफेंट रिजर्व जो है वो भी बनाया गया भारत का सबसे बड़ा और सबसे पहला हाथियों का जो रिजर्व है वो सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट जो झारखंड के अंदर लोकेटेड है उसमें है मयूरभंज जो है वो उड़ीसा से ही संबंधित है और केमांगुंडी जो है वो कर्नाटक है बलिया डेला जो है ये कहाँ पे है बैला डेला के नाम से जानते बैलाडीला बैलाडीला कहां पे क्या बात है छत्तीसगढ़ के अंदर बैलाडीला कहां पे छत्तीसगढ़ करके याद रखे सूर्य बिल्कुल ठीक बेला डीला आपके कौन से राज्य से रिलेटेड है छत्तीसगढ़ ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन आपसे मैचिंग नहीं आएंगे तो सीधा भी पूछे जाएंगे बेला डीला से रिलेटेड निम्न में से किस शेख उल हिंद की पदवी किसे शेख और शेख उल हिंद की पदवी प्राप्त हुई थी तो शेख सलीम चिश्ती करके याद रखे अकबर बहुत ज्यादा मानते थे इनको शेख सलीम चिश्ती को और फतेहपुर सीकरी में इनकी दरगाह भी है कहते इन्हीं की इन्हीं की बरकत थोड़ी सी हुई थी तो अकबर के घर जो है वो सलीम पैदा हुए थे पदार्थ उपयोग सब्सटेंस और उनका यूज ठीक है सिल्वर ब्रोमाइड आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस के लिए किया जाता है सिल्वर आयोडाइड आर्टिफिशियल रेन के लिए किया जाता है लिथियम बाइकार्बोनेट आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए करते हैं और मिल्क मैग्नीशियम ये पर एसिड की तरह या फिर एंटा एसिड भी लिख सकते हो एंटा एसिड की तरह काम करता है कौन सा सुमेलित नहीं है सही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटा एसिड ये तो ठीक है लिथियम बाइकार्बोनेट आर्थराइटिस के लिए देखिए आर्थराइटिस का एस सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है लेकिन जब हम बात करते हैं आर्थराइटिस को लिथियम बाइकार्बोनेट uh, के साथ ट्रीट करने के लिए तो वो एक हद तक जब बहुत ज्यादा रिमोटाइड वाली प्रॉब्लम आ जाती है तो लिथियम बाइकार्बोनेट को यूज किया जाता है ठीक है जैसे कि थारॉयड कैंसर के लिए आप आयोडीन सिक्सटी को यूज करते हो ठीक है थाइरयड अब में अगर कैंसर हो जाए

फोटोग्राफी अब फोटो और फोटोग्राफी कुछ कुछ एक जैसे वर्ड है इसीलिए इनको कंफ्यूजन करने के लिए रखा हुआ है ना तो ये थोड़ा सा याद रखिए यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड सिल्वर ब्रोमाइड लिथियम बाइकार्बोनेट और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मस्तिष्क में एक एक तीखी गंध गंध या एक महीन इत्र की 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 व्याख्या कौन से से की जाती है अगर आप कोई स्मेल सूंघ रहे हो बहुत ही फाइन परफ्यूम है मतलब बहुत ही अच्छी सी कोई स्मेल आ रही है पर्टिकुलरली तो आपके ब्रेन का कौन सा हिस्सा सूंघता है तो याद रखें आपकी जो पर्टिकुलर स्मेल होती है ना वो हमेशा हमारा

जयपुर ठीक है इसका आंसर ही बता दे रही हूं मैं आगरा दिल्ली और जयपुर में गोल्डन ट्रैम ट्रेंग, ट्राइंगल पूरा बना हुआ है आप आराम से घूमिए और तीनों चीजों को साथ में घूमने का पैकेज में मिलता है दिल्ली से आगरा जाइए आगरा से जयपुर जाइए जयपुर से फिर दिल्ली आ जाइए या कैसे भी करिए तीनों सिटीज अच्छी है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी मोस्ट एक्टिव वॉल हमेशा किसी ना किसी पॉइंट पे ही हमेशा आ, एक्टिव ही रहता है हवाइयन आइलैंड कहा जाता है इसको हवाइन आइलैंड पे लोकेटेड है अमेरिका के और फ्यूजीनामा तो इतना ज्यादा नहीं है ना किलायु करके लर्न कर ले दुनिया का सबसे मोस्ट एक्टिव किलायु दुनिया का मोस्ट uh, एक्टिव के रूप में जाना जाता है हवाइयन आइलैंड पे मौजूद है ये जो कि अमेरिका के अंदर स्थित है किलायु uh, संत और जन्म स्थल से रिलेटेड है चैतन्य वृंदावन जी चैतन्य जी वृंदावन से है रिलेटेड ज्ञानेश्वर आलिंदी देहु और उडुपी से रिलेट है। ये क्वेश्चन मुश्किल है क्योंकि जनरली वैसे इसका क्वेश्चन का क्वेश्चन मुश्किल है लेकिन आंसर बहुत ही कॉमन सा है यहाँ पे कई बार आपने सुना होगा चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना होगा ये स्कॉन जो है ना वो थोड़ा उससे रिलेटेड है ये यहाँ पे श्री कृष्णा का भजन कीर्तन ये सब रिलेट कर रहा आपका। उडुपी, है आपका माधवाचार्य उड़ुपी कर्नाटका से संबंधित है यहाँ पे ठीक है ये चीज जो है चैतन्य महाप्रभु इनकी अगर हम बात करें तो ये बंगाल के एक डिस्ट्रिक्ट में आए थे ये तुकाराम जी जो है ये मराठा संत है तुकाराम जो है ये महाराष्ट्र से ही रिलेट है यहाँ पे ये याद रखिए मराठ मराठा से भी रिलेटेड है तो चैतन्य महाप्रभु ये बंगाल में पैदा हुए थे ठीक है बंगाल कौन सी नदी? गंगा नदी का तंत्र का हिस्सा नहीं है नॉट अ पार्ट ऑफ गंगा रिवर सिस्टम पुनपुन नदी जोंक नदी अजय नदी या जलांगी नदी इनमें से कौन सी नदी गंगा नदी का संतों का नहीं पता कोई बात नहीं मतलब दिस इज इम्पोर्टेंट जो करना है आपको एक बार रिवाइज करना बाकी अभी के लिए जितना दिया उतना पढ़ लीजिए बाद में और क्वेश्चन कर लेंगे अलग से जोंक नदी किसकी ट्रिब्यूटरी ट्रिब्यूटरी है जोंक नदी जो बोलते हैं वो किसकी कही इसमें एलिमिनेट करो इसमें एलिमिनेट करना सीखो जोंक नदी जो है वो गोदावरी की नहीं महानदी की ट्रिब्यूटरी है जोंक न... अब इस क्वेश्चन में अगर आपको बाकी चार के बारे में एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन सी है तो आपको ये याद रखना है कि जोंक नदी जो है महानदी की ट्रिब्यूटरी कही जाती है किसकी जोंग किसकी ट्रिब्यूटरी है महानदी की ट्रिब्यूटरी है जबकि जलांगी अजय और पुनपुन ये आपके गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी पिट्यूटरी लिख ले कोई तो और नहीं दिख रहा लार ग्रंथि हो सकती है क्या

चप्पल की आकृति का जंतु कौन सा है बताइए बहुत ही सिंपल ये कौन से पार्ट में आता है मतलब किस में लिखते हैं हम जब हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो प्रोटोजोआ के अंदर या फिर प्रोटेस्टा भी बोलते हैं इसको प्रोटोजोआ प्रोटेस्टा के अंदर कुछ जानवर होते हैं जो कि एक सेल के होते हैं सिंगल सेल के लेकिन होते यूकैरियोटिक है यानी कि इनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है साथ में इनमें मूवमेंट के लिए कुछ होगा जैसे सीलिया मौजूद हो सकता है फ्लैजिला सकता है ये तो ये आपका पैरामीशियम के लिए बोला जाता है।, है तो बिहार करके याद रख लीजिए भाई बहुत ही सिंपल है छोटा नागपुर प्लाटू ओडिशा झारखंड वेस्ट बंगाल छोटा नागपुर प्लाटू का एरिया है उसके अलावा गुमला सिंह भूमि झारखंड के जो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट आते हैं पुरुलिया वेस्ट बंगाल का आता है यहाँ पे है ना बाकी महानदी जो उड़ीसा तक फैली हुई है वहां तक का हिस्सा आता है छोटा नागपुर प्लेटू में कई लोग कई बार जब मैप भारत का बना रहे होते हो ना तो आप छोटा नागपुर प्लाटो में बिहार को इंक्लूड कर देते हो जबकि बिहार के नीचे ही उड़ीसा झारखंड वाला क्षेत्र जो है वो भी आता है थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र भी ज्वाइन यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है पर बिहार को आप कभी भी छोटा नागपुर प्लाटू में इंक्लूड नहीं करना है इन में से कौन सा सही सुमेलित उनके साल के साथ नहीं है वुड्स डिस्पैच 1854 सेडलर कमीशन 1920 राधा कृष्णा कमीशन 1948 और हंटर कमीशन 1882 क्वेश्चन इजी है लेकिन वेरिएशन बहुत ज्यादा दे दिए यानी कि ईयर बहुत ज्यादा ब्रॉड कर दिए गए तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है आपको सेडलर सेडलर यूनिवर्सिटी कमीशन जो आया था वो कौन से साल में आया था सेडलर यूनिवर्सिटी कमीशन ये आपका 1920 का नहीं है सेडलर कमीशन 1917 का है ठीक है बाकी वुड्स डिस्पैच 19 1854 का ही है राधा कृष्णन कमीशन 1948 का है हंटर कमीशन 1882 से रिलेट कर रहा है मुदालियर एजुकेशन कमीशन 1948 से कोठारी कमीशन 1964 से ऐसे करके कुछ इंपॉर्टेंट कमीशन वगैरह जो है ना उनको आज लिख के भी दिए उसको थोड़ा सा पढ़ भी लीजिएगा 1920 नहीं होके 1917 सौ सती विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल के रूढ़ीवादी का नेतृत्व तो किसने किया था देखिए राजा राम मोहन राय जी क्या कह रहे थे कि आप सती प्रथा को प्रचलन में नहीं लाइए सती प्रथा गलत बात है कि एक हस्बैंड अगर मर रहा है तो उसकी वाइफ को उसी की चिता के ऊपर उसकी चिता के साथ बैठा के जला दिया जाता था यह था सती प्रथा अब राजा राम मोहन रॉय जी ने फीमेल के अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया था जैसे फीमेल्स का जो एजुकेशन सिस्टम है वो उनको भी मतलब महिलाओं को पढ़ाया भी नहीं जा रहा था तो फीमेल्स को पढ़ाना चाहिए पहली चीज दूसरी चीज ये सता सती प्रथा खत्म करना चाहिए और विडो मैरिज जो विधवा है उनकी फिर से शादी आपको करना चाहिए क्योंकि तेरह तेरह साल चौदह चौदह साल की उम्र में जो लड़कियां जो है वो उनकी अगर उनके हस्बैंड्स की डेथ हो जाती है तो फिर उसके बाद उनके साथ बहुत ही इल ट्रीटमेंट किया जाता है कमरे में बंद रखा जाता है बाहर निकल नहीं दिया जाता है कोई फेस्टिवल नहीं करना कुछ भी नहीं करना तो इसमें राधा कांत देव जी याद रखें राधा कांत देव जी हैज एक्चुअली सपोर्टेड दी सती सिस्टम उनके हिसाब से सती सिस्टम जो है वो ठीक था अब ये मुझे नहीं पता सिचुएशन बेस्ड हो सकता है लेकिन आप सिचुएशन बेस्ड भी बात हो सकता है आपके आस पास कोई ऐसी प्रथा चल रही हो जिसको आप खत्म ना कर पाओ लेकिन ऐसी प्रथा जो गलत है एटलीस्ट उसका सपोर्टर नहीं बनना चाहिए क्योंकि कुछ प्रथाएं कल्चरली काफी रिलीजियसली कल्चरली कनेक्टेड होती हैं तो हो सकता है हम उनको रोक ना पाए लेकिन ऐसी प्रथा जहां पे लड़की को साथ में हस्बैंड के जला दिया जा रहा है ये कहाँ से जस्टिफाइबल और कौन इसका सपोर्ट कर रहा है पता नहीं राधाकांत देव जी जो है वो उसको सपोर्ट कर रहे थे यहाँ पे एक उन्होंने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था राधाकांत देव जी ने जिसमें राजा राम मोहन रॉय के विरुद्ध जो है वो सबके साइन भी कराए गए थे पता नहीं सर्वप्रथम रक्त संचारण रक्त परिसंचरण यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन किसने किया था लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप्स दिए थे ठीक है ब्लड ग्रुप स्कॉनबर्ग जो है वो डीएनए से रिलेटेड है इसमें आप हार याद रखें हार्वे जी विलियम हार्वे पूरा ना इन्होंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को प्रमोट किया था हाँ जी 1829 से संबंधित है सती प्रथा का पूरा सिस्टम विलियम हार्वे भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है विच इज हाईएस्ट विच इज द लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ द इंडिया विलियम हार्वे लॉन्गेस्ट हार्वे लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया भाई हार्वे और हाईवे सब एक साथ क्यों जा रहे हैं व्हिच इज द लॉन्गेस्ट हाईवे भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है कहां से कश्मीर से कनिया कुमारी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से रिलेट करता हुआ ये जम्मू पठानकोट जालंधर पंजाब हरियाणा दिल्ली फरीदाबाद पलवल आगरा ग्वालियर झांसी सागर नरसिंहपुर नागपुर आदिलाबाद तेलंगाना हैदराबाद कुरनूल बेंगलोर कृष्णगंज सलेम तमिलनाडु के अंदर और मदुरई से होता हुआ केरला को टच नहीं करता है ये याद रखिएगा केरला टच नहीं होता है जम्मू कश्मीर है पंजाब है हरियाणा है दिल्ली है उत्तर प्रदेश है मध्य प्रदेश आ जाएगा राजस्थान टच नहीं होता छत्तीसगढ़ टच नहीं होता महाराष्ट्र आ गया तेलंगाना आ गया आंध्र प्रदेश आ गया यहाँ पे कर्नाटक आ गया और तमिलनाडु आ गया तो लक्ष्य कन्याकुमारी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी ये लार्जेस्ट या हा, आपका हाईएस्ट नेशनल नेशनल हाईवे है आपका मतलब लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट है ये चवालीस तीन हजार सात सौ पैंतालीस किलोमीटर का और मेजर सिटीज जो है वो इसमें मेंशन में है ये मैंने मैप्स ऑफ इंडिया से मैप लिया है जो यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए काफी अच्छे मैप्स भी बनाते हैं सो इट फॉर दी क्वेश्चन और आज के सारे क्वेश्चन यूपी पी का भी पेपर हुआ है जिसमें जूनियर का जो पेपर हुआ था अभी पीछे कुछ दिन पहले उसके क्वेश्चन थे तो वैसे तो बहुत एक तो ये है ना कि थोड़ा सा तो दिमाग खुला कि कौन कौन से एरिया से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और उसके अलावा यहाँ से जो इजी क्वेश्चन होंगे वो आपका एसएससी और रेलवे पिक करता है और सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके आज के तारीख में आपसे कुछ भी पंद्रह बीस दिन पहले आपके सरकम फ्रेंड्स में इसी तारीख में या जहां आप बैठे हो और जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना उसके सरकम फ्रेंड्स में जो भी एग्जाम हो रहे हैं जो भी एग्जाम आपके एक दो महीने के अंदर भी हुए उनके भी क्वेश्चन जो है वो आपको करने हैं क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है सारे चीजें आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट uh, भी लगेंगी

हमेशा इजी क्वेश्चन नहीं करते ना भारत का प्रधानमंत्री कौन है ना भारत की सिक्किम का जो है वो राजधानी बता दीजिए तो वो अब वो तो अब उतना तो आपको रटी गया है ना चलिए अभी के लिए गए थैंक यू सो मच और कल दिल्ली पुलिस का एग्जाम है तो ये सारे क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लीजिए दिनेश आपको हेल्प थोड़ी बहुत तो मिल ही जाएगी जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं पूरे हाँ जूनियर असिस्टेंट का पेपर है ये यूपीपीसीएस यूपीपीसी यूपी पीसी जो है वही कराती है इस एग्जाम को कंडक्ट पे और ये हेल्प भी करेगा आरपीएफ का सिलेबस के लिए डीके ऑफिशियल मैंने एक वीडियो की है आप उस वीडियो को एक बार देख सकते हो उसमें पूरा आरपीएफ का मैंने सिलेबस मेंशन किया इसी चैनल पे थैंक यू सो मच गुड नाइट टेक केयर कल मिलते हैं वापस नौ बजे फिफ्टी क्वेश्चन के साथ शानदार पचास क्वेश्चन के साथ और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट